सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे आपका तो स्वागत है मेरी नई वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में क्या आपको दिखाने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाने वाला हूँ। टोटोनिक्स के मैंने एक माउस मंगाया है, ठीक है, और एक ये मंगाया है होल्डर, मोबाइल होल्डर जो गाड़ी में यूज करते हैं ना, लेकिन मैंने यहाँ पे मंगाया अपनी वीडियो वगैरह बनाने के लिए घर पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा टेबल है ना, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे फोन रखे अपने आपको शूट करना होता है काफी ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा जो हम गाड़ी में यूज करते हैं मोबाइल होल्डर ऐसे लगता है वो वाले होल्डर को यहाँ पे लगा दूंगा, उसमें फोन कैप करके मैं ऐसे अपनी वीडियो वगैरह शूट कर पाऊंगा। तो जो दो चीजें मंगाई है मैंने प्रोटोनिक से, तीन दिन पहले मंगाई थी, तीन दिन में डिलीवरी हो गई, डिलीवरी सर्विस काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी अभी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो एक तो मैंने मंगाया माउस, एक मैंने मंगाया M3 क्लैंप मोबाइल होल्डर, ठीक है, गाड़ी वाला जो होता है। तो दोनों चीजें आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं, और उसके बाद आपको जो सारी डिटेल वगैरह वो भी बता दूंगा सारे। अगर आपको ये वाले प्रोडक्ट खरीदने होंगे तो सारे लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो वैसे तो आपने ये प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, तभी आप ये प्रोडक्ट का सर्च करके मेरी वीडियो पे आओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी जो पैकिंग है वो तो डब्बे में नहीं आई है, सीधे एक कवर के अंदर जैसा उनको एक लिफाफे के अंदर ही जो पैक करके दे दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो प्रोडक्ट हैं, एक तो मैंने मंगाया क्लैंप M3, ठीक है, एक साल की इसकी वारंटी है, उसका वारंटी कार्ड वगैरह सब संभाल के रखें ताकि अगर आपको रिटर्न करना हो, एक साल की वारंटी है इसकी। प्रोटोनिक्स का ये, ठीक है, प्रोटोनिक्स का क्लैंप M3 मोबाइल होल्डर है। पहले मैंने M2 मंगाया था, M2 मोबाइल होल्डर की वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग को करके आपको दिखा रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये एक मैंने मंगाया, ठीक है, प्रोटोनिक्स का वायरलेस ये वाला जो ब्लूटूथ वाला माउस होता है, तो इसकी भी एक साल की वारंटी है। तो दोनों के जो वारंटी कार्ड है वो संभाल के रखने पड़ेंगे ताकि अगर इनके से खराब होते हैं तो इनको रिटर्न कर पाए। सबसे पहले हम जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अपने माउस की। तो ये डब्बा मैंने खोल दिया, ठीक है, डब्बा खोलने के बाद इसके अंदर हमको जो एक मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये है इसका वारंटी कार्ड, जिसको आपको संभाल के रखना है, इसका वारंटी कार्ड है, इसको फिर डेटा टाइम स्टैम्प लगा के रखते हैं। तो वैसे तो ऑनलाइन कोई गारंटी होती नहीं है, बट ठीक है, फिर भी हम अपना वारंटी कार्ड संभाल लेते हैं अगर इनकी जरूरत पड़े। तो ये हो गया अपना माउस, यहाँ पे ये जो माउस आया, लेकिन मुझे लगता है छोटी सी, ठीक है, ये यहाँ पे माउस आ चुका है। अब इसके साथ यहाँ पे इसको हम खोलेंगे, ये रहा पूरा माउस। तो अभी आप सबको ये डाउट, मुझे सबसे पहले खोलने में ये डाउट लगा कि इन्होंने बोर्ड तो दिया नहीं, इसके साथ वाला जो ब्लूटूथ वाला रिसीवर आता है, लेकिन जब आप इसको यहाँ से खोल लेंगे, तो यहाँ से आपको इसको खोलना है, तो यहाँ पे ये रहा रिसीवर, ठीक है, इसके अंदर इसका जहाँ पे आपको ये डालना है ना, क्या बोलते हैं, तो रिसीवर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल डाल देंगे, सेल डालने के बाद आपका ये रिसीवर है जो ऑन हो जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे पूरा, अभी मैं सेल वगैरह डालते हुए देखता हूँ, पहले आपको पूरी बॉक्सिंग करके दिखा देते, लेकिन मैं सोचा चलो आपको ये भी दिखाई देता हूँ कि कैसे इसको मैंने सेल कर दिया है, जुगाड़ किया है। तो सबसे पहले तो ये माउस आपका सिंगल निकलेगा, तो आपको माउस पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ के पीछे को पुश करके खोल लेना है, माउस खुल गया आपका। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेल डाल देना है, ठीक है, सेल का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे आपको ये बाहर को निकला होता है वो नीचे को, दूसरा वाला ऊपर को, तो ये डाल दिया नीचे सेल, और यहाँ पे ना नीचे जो रिसीवर है यहाँ पे दिया, रिसीवर कैसे निकलेगा, इसको ऐसे पकड़ना है रिसीवर को, ठीक है, माउस को ऐसे सीधा पकड़ना है, ऐसे देखो ये ना, ऐसे सीधा पकड़ना है, सीधा पकड़ के नीचे को आपको रिसीवर को खींच लेना, ठीक है। रिसीवर आपका कैसे, मतलब इस डायरेक्शन में आपके जिस तरह से ना ऐसे बाहर आएगा, तो यहाँ पे ऐसे हमने पकड़ा इसको रिसीवर को, और इसको ऐसे खींच लिया, ठीक है, ऐसे ध्यान से रिसीवर को आपको तोड़ना नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब गलत रखा हुआ है, तो ऐसे आप चाहे ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे ये ऊपर को ऐसे बाहर आएगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में बाहर आएगा, ऐसे या वैसे भी इस डायरेक्शन में बाहर आएगा, ठीक है। तो आपको डाल के भी दिखा देता हूँ, ऐसे ही आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो रिसीवर निकाल लिया, उसके बाद आपको इसका जो बटन है ना यहाँ पे, इसको ऐसे आपको ऑन कर लेना है, तो ये जो ये वर्क तो कर रहा है। अभी इसको लैपटॉप पे लगा के देखूंगा, तो ये वाले रिसीवर को आपको अपने लैपटॉप पे लगा देना, और ये तो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे लगेगा, देख सकते हैं लाइट आ रही है, तो ये भी बाकी मैं यूज करके देखता हूँ, मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। इसमें MPI की ऑप्शन है, काफी ज्यादा अच्छा ये माउस आपका रहने वाला है, वैसे तो लाइट वेट है, अभी यूज करके देखता हूँ तो कैसा रहने वाला है। इसमें इसकी थोड़ी सी लाइट जा रही है, अभी मैंने ऑन किया था, लाइट से चली गई, वो देखना पड़ेगा खुल जा के काम कर रहे हैं, वैसे तो ऑन करने में लाइट तो आती है, बाकी अभी यूज करके देखता हूँ कैसे रहता है। तो अभी आपको यूज करके भी दिखाई देता है चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट ठीक है, मैं लैपटॉप भी ले आ रहा हूँ यहाँ पे, आपको यूज करके दिखा देते हैं कैसे रहेंगे। तो लैपटॉप की इसकी जो पिन है तो आपको सही से डाल देना, ना क्या थोड़े ना थोड़ी सी हार्ड रहेगी शुरू में, क्योंकि आपने पहली बार डाली है। तो अभी आपका जो माउस है वो ऑन है, तो माउस यहाँ वर्क कर रहा है, यहाँ पे ना क्या है कि अपने आप स्विच ऑफ हो रहा है, जो मेरा दूसरा डेल का माउस है उसमें बैटरी भी चली जाती है, क्योंकि जब हम माउस यूज नहीं करते तो हाँ मैंने पढ़ा था इसके जो रिव्यू जब खरीदते वक्त, ये ऑटो स्विच ऑफ के साथ आता है, जैसे मैं इसको यूज नहीं करूँगा ना
जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसको 5 मिनट यूज नहीं करूँगा तो ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर आप जैसे ही इसको यहाँ पे ला के इसको लैपटॉप पे ला के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटो ऑन भी हो जाएगा। तो जिससे कि आपका जो बैटरी लाइफ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें आप जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो वही अगर आप ऑन भी रखें ना तो भी वो 4-5-6 महीने आराम से निकल जाते हैं, और स्विच ऑफ फंक्शन के साथ तो काफ़ी ज़्यादा, तो स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, माउस स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा, चल रहा है बहुत स्मूथली। तो ये प्रोडक्ट तो वर्क रहा, तो ये भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया। इसके राइट क्लिक्स वगैरह भी ठीक है, स्क्रॉल बटन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक भी स्मूथ है सारा, और ये अच्छे से चल भी रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। जो मेरा डेल वाला है ना, वो मैंने 600 रुपये का खरीदा था, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, उसमें ऑटो स्विच ऑफ का फंक्शन भी नहीं है, MTI वाला भी नहीं। इसके काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे रखे हैं, वो आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने को मिल जाती हैं मैनेज करने के लिए, तो सारे जो इसके हैं चीज़ें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर भी कोई डाउट्स वगैरह कमेंट से पूछ लेना।